So students, this is the second part of the chapter 2 video of class 5 science. In the previous video, we have discussed about habitat and land terrestrial animals and their habitat. Now in this video, we will discuss about aquatic animals and their habitat and other two topics, that are hibernation and migration. So जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ा कि लैंड हैबिटेट्स और उसके टाइप्स के बारे में, इसमें भी हम एक्वाटिक एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम जानते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स होता क्या है. एक्वाटिक मीन्स जलीय, यानी कि वैसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनका ज़्यादातर लाइफ पानी में बीतता है, उन्हें ही हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. बाय डिफिनेशन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. एग्जाम्पल हैं स्नेक, फ्रॉग, फिश, क्रैब्स, गूज, डक्स, इटीसी. तो जिस तरह से लैंड हैबिटेट के मेनली फोर पार्ट्स थे, उसी तरह एक्वाटिक हैबिटेट के मेनली दो टाइप्स हैं, जो कि हैं आपके ओशियन, यानी कि महासागर, और फ्रेश वाटर. ओशन जो होते हैं, जगह कि हम जानते हैं ओशन का वाटर साल्टी होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं. और यहाँ सो मेनली यहाँ पे जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं जो ओशन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वे है ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, जेली फिश, शार्क्स, सी हॉर्स, इटीसी. जो है वो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ओशंस में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के अंतर्गत वैसे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जिनके वाटर साल्टी नहीं होते, जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं. और एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो है डक, यानी कि बत्तख, गूज, हंस, फिश, मछली, क्रैब्स, केकड़ा एंड टर्टल, कछुआ. तो ये दो थे आपके एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स. नेक्स्ट एक और टॉपिक है एनिमल्स के हैबिटेट के रिलेटेड, वो है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स वैसे एनिमल्स जो पानी और धरती दोनों, वाटर एंड लैंड दोनों पे सर्वाइव करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस. और इसके जो एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस के, वो हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक्स, इटीसी. अब जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का, वो है हाइबरनेशन, यानी कि शीत निष्क्रियता. ये एक शीत निष्क्रियता एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ जानवर जो विंटर, जिनका शरीर विंटर में जाती नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो विंटर में सर्वाइव करने के लिए डीप स्लीप में, यानी कि गहरी निद्रा में चले जाते हैं. तो उस प्रोसेस को ही हाइबरनेशन कहते हैं. सम एनिमल्स गोइंग टू डीप स्लीप टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम विंटर्स एंड सर्वाइव अमाउंट ईटिंग मच. मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में सर्वाइव करने के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और वो इस समय काफ़ी कम खाकर खुद को सर्वाइव करवाते हैं, जिंदा रहते हैं. एक ऐसे जानवर क्या करते हैं, ये ठंड से पहले जो ऑटम सीजन आता है उसमें ही काफ़ी कुछ खा लेते हैं और उसको फैट के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. और जब वो हाइबरनेशन के प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि डीप स्लीप में जाते हैं ठंड के दौरान, तो उस समय वही खाना उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी होता है. और इस हाइबरनेशन के दौरान उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, और उनका ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है. और कुछ एनिमल्स जो हाइबरनेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो हैं आपके बियर और लिजार्ड्स, यानी कि भालू और छिपकली. नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइग्रेशन. माइग्रेशन में का हिंदी मीनिंग होता है प्रवास, और इसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना. सो माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स एक खुद को हार्श वेदर में, मतलब कड़े मौसम में, या गर्म, काफ़ी गर्म या काफ़ी ठंड मौसम से खुद को बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, मूव करते हैं, उसी को ही हम माइग्रेशन बोलते हैं. बाय डिफिनेशन द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू स्टे अवे फ्रॉम हार्श प्लेसेज इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स का मूवमेंट किसी हार्श वेदर सीजन से बचने के लिए ही माइग्रेशन कहलाता है. और ये माइग्रेशन जो होता है वो इंडिया में लगभग
इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटेड पक्षी आते हैं। इंडिया जो है हब है माइग्रेशन का, यानी कि एक ऐसा जगह पर है जहाँ पर माइग्रेटेड बर्ड्स काफ़ी सारे आते हैं। उनमें से कुछ हैं फ्लैमिंगो, क्रेंस, अफ्रीकन एलिमेंट, कॉमन टिलिटिस, और एनिमल में अफ्रीकन एलिफेंट एक ऐसा एलिफेंट है जो एनिमल है जो खुद को सर्वाइव करने के लिए हार्श वेदर से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर क्लास इस चैप्टर 2 में बस इतना ही। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। थैंक यू।